लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। उपायुक्त यशपाल के मार्गदर्शन में रन फॉर यूनिटी मैराथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से आरंभ होकर सिटी पुलिस थाना से सोहना रोड से होते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय पहुँची। रन फॉर यूनिटी में हजारों की संख्या में जिलावासियों ने भाग लिया। आप सब लोगों को पता होगा कि आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1875 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और आगे चलकर इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो सरदार के नाम से ज्यादा विख्यात हुए, पूरे देश का एकीकरण किया। 1947 के अंदर जब हम आजाद हुए तो इस देश के अंदर 500 से ज्यादा रियासतें थी जो आजाद थी और उनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं या आजाद भी रह सकते हैं। उन सभी रियासतों को अगले 1.5 साल के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान के अंदर मिलाया और आज का जो हिंदुस्तान का मानचित्र आप देख रहे हैं ये उनकी बहुत बड़ी इस देश को देन थी। मैं इस साल मई के महीने के अंदर जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे तो मुझे गुजरात के सूरत जिले में जाने का मौका मिला और सूरत शहर के बहुत नजदीक एक जगह है बारदोली। बारदोली के अंदर सबसे पहला बड़ा एजिटेशन वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया था, उसको नेतृत्व प्रदान किया था। ये किसानों का आंदोलन था और इस आंदोलन से, जो कि 1928 के अंदर शुरू हुआ, इस आंदोलन के बाद में उनको सरदार का नाम मिला